सतनाम सतनाम करता पुरख करता पुरख निर्भो निर्भो निर्वैर निर्वैर अकाल मूरत अकाल मूरत अजूनी सैभं अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप गुर प्रसाद जप आदि सच आदि सच जुगाद सच जुगाद सच है भी सच सच नानक हो सी भी 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 सच मिल संगति मल लह जाए माया पसरिया
संत साथ न कोई जाए, संत साथ न कोई जाए, संत साथ न कोई जाए, संत साथ न कोई जाए। क्यों मिलिए हर करहले मन परदेसिया, करहले मन परदेसिया, करहले मन परदेसिया, करहले मन परदेसिया, दर गए
पर आप लया गल लाए परदेसिया।
करहले मन परदेसी, चाहे दुनिया के किसी भी देश में चले जाए, कितना भी खूबसूरत जगह हो, कितनी भी खूबसूरत मनमोहक हो, अच्छी लगती हो, फाइव स्टार होटल में जाकर ठहरे, जितना चाहे धन खर्च कर ले घूमने फिरने के लिए, पर फिर मन उदास हो जाता है कि घर जाना है। प्यार से बोलिए धन गुरनाथ, क्योंकि जो आनंद घर में है कहीं पर भी नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरनाथ। गुरु रामदास जी यही समझा रहे हैं, हे रेगिस्तान में भटके हुए ऊंट, हे बेलगाम मन, बेमुहारे मन, अब घर आ जा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब आ जा अपने घर, आराम कर ले। घर पहुंचकर जो सुख मिलेगा वो बाहर नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मन कर हला मेरे प्रीतमा, हे भटके हुए मन, फिर प्रेम से कहा है मेरे प्रीतमा मन को, हे मेरे प्रीतम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दोस्त को समझाते हैं ना, पहले डांट भी देते हैं फिर समझा भी देते हैं मित्र को, जिससे प्रेम हो। गुरु हमसे प्रेम करता है। गुरु रामदास जी इस शब्द को उच्चारण कर रहे हैं, क्या उनका मन भटका हुआ है? हो ही नहीं सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, क्योंकि शब्द का उच्चारण वाणी आ ही टिके हुए मन से सकती है। हमें समझाने के लिए शब्द का उच्चारण किया है और प्रेम से हमारे मन को समझा रहे कि बेमुहारे मन मेरे प्रीतमा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक काम कर ले, दिन रात प्रभु के गुण गा, दिन रैन हर लिव लाए। क्या होगा इससे? जब तू दिन रात नाम जपेगा तो क्या होगा? घर जाए पावे रंग महली। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर दिन रात नाम जपेगा तुझे घर का एड्रेस पता चल जाएगा कि कैसे जाना है, तुझे रास्ता नहीं मिल रहा तो रास्ता मिल जाएगा। घर जाए पावे रंग महली, गुर मेले हर मेला है, पर एक शर्त है, रास्ता तभी मिलेगा जब गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जैसा गुरु कह रहा है वैसे करते जा, तुझे रास्ता मिल जाएगा। मन कर हला तू मीत मेरा, फिर डांटा है ए बेलगामे मन, तू मेरा मित्र है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पाखंड लोभ त जाए, अगर तुझे घर का एड्रेस चाहिए, वापस जाना चाहता है,
अगर चाहता है कि ये जन्म जन्म का चक्कर खत्म हो जाए, 84 लाख जोनियां फिर से ना भोगनी पड़े, तो एक काम कर ले, ये बहुत जरूरी पॉइंट है साथ संगत जिसको ध्यान से समझना होगा, पाखंड लोभ तजाए, दो चीजें छोड़ दे, पाखंड छोड़ दे, लोभ छोड़ दे, लालच छोड़ दे। हर से बोलिए धन गुरु नानक, दास ने पहले भी कहा था कि जब संगत आई हो बैठी हो फिर माथा हम टेकते हैं, कैसा टेकते हैं, अकेले में कैसे टेकते हैं, क्या इसमें अंतर है? हर से बोलिए धन गुरु नानक। अगर अंतर है तो इसे पाखंड कहा है। जो चीज हम दिखावे के लिए करते हैं, मान लो संगत बैठी है और माला पकड़ के बैठ जाए और अकेले हैं तो माला याद ही नहीं, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, ये पाखंड है। संगत के साथ कहीं गए हैं, लोग देख रहे हैं तो अमृत वेले उठ के बैठ गए और अकेले हैं तो सो गए, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, इसे पाखंड कहा है। यह पाखंड क्यों करती है दुनिया? लोगों को बस में करने के लिए, मूर्ख बनाने के लिए। पर गुरु रामदास जी कहते लोग मूर्ख नहीं बन रहे, सबसे बड़ा मूर्ख तू बन रहा है, क्योंकि ये पखंड तुझे 84 के गेड़े में ले जाएगा। तू दूसरों को इस्तेमाल गलत नहीं कर रहा, तू अपने आत्मा का इस्तेमाल गलत कर रहा है, तू अपने आप से फ्रॉड कर रहा है, किसी दूसरे से नहीं। ध्यान से बोलिए धन गुरु नानक, क्योंकि अगर ये पखंड नहीं छोड़ा तो फिर पाखंड लोभी मारिए जम दंड दे सजाए। ये पाखंड धर्मराज के पास ले जाएगा, वहां पर मार पड़ेगी। यहां से बोलिए धन गुरु नानक, 84 लाख जोनियों का चक्कर फिर से शुरू हो जाएगा। जो अंदर है वो बाहर दिखाना, ये पाखंड नहीं है। यहां से बोलिए धन गुरु नानक, हम जो है नहीं और वो दिखाने की कोशिश करें, वो पाखंड है। यहां से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, पाखंड लोभ तो जाए, क्योंकि पाखंड के पीछे कारण एक ही होता है, लोभ, कुछ पाना है लोगों से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, दिखावा करेंगे तो वो बस में आएंगे। ऐसे बहुत सारे लोग मेरी आंखों के सामने इस वक्त आ रहे हैं, जो गुरुद्वारे में आते हैं, सेवा करते हैं, सिमरन करते हैं, आंखें बंद करके बैठते हैं और लोगों को लूटते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, लोग उन पर विश्वास करते हैं, भाई ये अमृत ले आता है और उसका फायदा उठाते हैं। 84 की जोनी तैयार खड़ी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, बाहर किए हुए पाप एक बार गुरु बख्श सकता है, यहां पे किए हुए बाहर किए हुए पाप यहां पर बख्शे जाते हैं, यहां पर किए हुए पाप कहां बख्शाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मन कर हला मेरे प्राण तो, मैल पाखंड परम गवाए। अब यहां पे गुरु रामदास जी ने रास्ता बताया है कि ये पाखंड की मैल उतरे कैसे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, हमें चढ़ गई है। मन कर हला मेरे प्राण तो, मैल पाखंड परम गवाए। कैसे गवाए? हर अमृत सर गुरु पूर्या मिले संगति मल लह जाए। अमृत के सरोवर में स्नान कर ले, तेरी ये मैल उतर जाएगी, तेरी हृदय की पखंड की मैल उतर जाएगी। अमृत का सरोवर कहा है? सत्संगत को। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, तू एक काम कर, अमृत ले उठ, सत्संगत में आके बैठ जा और प्रभु के चरण से ध्यान जोड़कर सिमरन कर, तेरी मैल हृदय की उतर जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, इसे अमृतसर कहा है, असली अमृतसर सरोवर, नाम का सरोवर, इसमें डुबकी लगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, इसमें कैसे डुबकी लगाते हैं? वाहे गुरु धन वाहे गुरु, वाहे गुरु धन वाहे गुरु। वाहे गुरु, वाहे गुरु धन वाहे गुरु, वाहे गुरु धन वाहे गुरु।
गुरु धन वाहे गुरु वाहे गुरु धन वाहे मन कर हला मेरे प्यारे एक गुर के सिख सुनाए ए मोह माया पसरिया अंत साथ ना कोई जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इस पॉइंट को थोड़ा गंभीरता से समझना होगा। अगर 84 के गेड़े से बचना है, सुअर कुत्ता गधा सांप पक्षी पहाड़ इन जोनियों से बचना है, सजा से बचना है, इस पॉइंट को समझना बहुत जरूरी है। बहुत लोग कहते हैं ना, नाम भी जपते हैं बात नहीं बनती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु रामदास जी यहाँ पर एकदम क्लियरली समझा रहे हैं कि तेरी बात बन जाएगी, बस ये एक काम कर। मन कर हला मेरे प्यार या एक गुरु के सिख सुनाए, एक गुरु के सिखिया मान ले। ए मोह माया पसरिया, मोह के बंधनों को काट दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इस बात को समझने के लिए एक उदाहरण है। एक आदमी नशे में धुत है, रात को नाव में जाके बैठ गया और पतवार चलाने लग गया कि नदी पार करके दूसरे गांव जाना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक आदमी नशे में धुत है, नाव में जाके बैठ गया, पतवार चलाने लगा, सारी रात पतवार चला रहा है। सुबह हुई, किसी से पूछा ये कौन सा गांव है, तो वह हंसने लगा कि जहां पर रात को बैठे थे वहीं पर हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्यों? नाव को रस्सी से बांधा हुआ खूंटे से, वो रस्सी खोली ही नहीं, पतवार चलाता रहा है सारी रात पर रस्सी खोली नहीं नाव से, पूरी रात मेहनत करता रहा है पर नाव तो आगे बढ़ी ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यही बात गुरु रामदास जी हमें समझा रहे हैं। तो पतवार चला रहा है, नाम जप रहा है, सेवा भी कर रहा है, पर मोह के बंधनों में फंस कर रस्सी बंधी हुई है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अभी एक बात को ध्यान से समझना, मोह करता क्या है? आपने मेहनत की, अमृत वेले उठे, नाम जपा, धन इकट्ठा किया, अब अपने परिवार में किसी पे प्रॉब्लम आ गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मोह किससे होता है? अपनों से, जिसे हम अपना कहते हैं, जबकि वाणी कह रही है साथ अंत साथ ना कोई जाए। मन को समझा, जिनके लिए तू सब कुछ गलत काम करता है साथ कोई नहीं जाने वाला। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मोह क्या करता है? जितना भी आपने धन इकट्ठा किया है, नाम का धन, चाहे दुनियावी धन हो या नाम का धन हो, खर्च करा देता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मानो घर में किसी को कैंसर हो गया, कोई बीमारी हो गई, धन खर्च होगा और फिर अरदासे भी करेगा खड़े होके कि इसे ठीक कर दे गुरु। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चाहे वो 80 साल का हो फिर भी अरदास करेगा कि ठीक कर दे। ये नहीं कि उम्र भोग के जाने का समय हो गया है, फिर भी अरदास करेगा कि ठीक कर दे। इससे क्या होता है? अरदास जो हम करते हैं, हमारा जो नाम का धन है वो खर्च हो जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब आप किसी के लिए भी अरदास करते हो, आपका धन खर्च होता है और हम मोह के बंधनों में बंध के कभी किसी की, कभी किसी की, कभी किसी की अरदास करते रहते हैं, पतवार चलाते रहते हैं। कमाई होती है पर मोह के बंधनों से रस्सी बंधी हुई है, और एक रस्सी नहीं, हम तो कई रस्सियां बांध के बैठे, नाव कैसे आगे बढ़ेगी? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। अरदास करने का भी ढंग होता है, जुगति होती है। मोह के बंधन या तो वर दिलाएंगे या तो शराब निकालेंगे मन से, दोनों में धन खर्च हो जाता है, नाम का धन, पतवार चला चला कर वहीं के वहीं खड़े रह जाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे जब तक मोह के बंधन हैं।
इसीलिए तो बार बार वाणी कहती है कि नाव पानी में रहे, पानी नाव में ना आए, दुनिया में रहे, दुनिया को अपने अंदर मत आने दे, फर्ज निभा परिवार के साथ, मोह के बंधनों में मत बंध। यहां से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अगर बंधे रहे होगा क्या, जन के लिए सब कुछ कर रहे हो आप, गलत काम सही काम जो भी है, अंत साथ ना कोई जाए, पाछा कह रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, ए मोह माया पसरिया, अंत साथ ना कोई जाए। कहते सब है इसके बदले मैं चली जाती, इसके बदले मैं चले जाता, पर जब समय आए तो कोई नहीं जाता, शमशान घाट छोड़ के सब वापिस आते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आज तक कोई साथ गया नहीं है, इसीलिए अपने मन को समझाओ, बहुत समय हो गया, बहुत समय हो गया, बहुत मेहनत कर ली, बहुत भटक ली, बहुत टोकरे खा ले। कृष्ण जी श्रीमद् भगवद गीता में इतना प्यारा संदेश देते हैं कि दुनिया का हर कर्म श्रम है, इस संसार में हर कर्म मेहनत है, थकावट है, विश्राम है तो केवल नाम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, बंदगी भक्ति तप एकमात्र विश्राम यही है, और कुछ भी नहीं है, कुछ भी कर लो सिवाय थकावट के कुछ नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। किसी के लिए कितना भी कर लो, इसी रसना से कहोगे इतना किया पर तूने ऐसा किया मेरे साथ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, ये होना ही है, गुरु तुम्हारे मुख से निकलवा देगा ये बात, कितना भी किसी के लिए कर लो वो तुम्हें सुना देगा तुमने किया ही क्या है मेरे लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसलिए रिश्ता निभाओ, फर्ज निभाओ, मोह के बंधन मत बांधो। गुरु रामदास जी कह रहे हैं, करहने मन परदेसिया, करहने मन परदेसिया, करहने मन परदेसिया, क्यों मिलिए हर माए, करहने मन परदेसिया, करहने मन परदेसिया, मन कर हला मेरे साजना। एक पॉइंट नोट करना, बार बार मन को बेलगाम घोड़ा भी कहा है, बेलगाम ऊंट भी कहा है, और दूसरी तरफ साथ ने प्रेम किया है, मेरे साजना, हे मेरे साजन मन, हर खर्च लिया पत पाए, हरि के नाम का खर्च इकट्ठा कर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, जो दरगाह में तेरे काम आएगा, जहां पर नाम का धन चलता है वहां पर और कोई करेंसी नहीं चलती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, हर दरगे पैर आए, हर आप लया गल लाए। अगर तू नाम का खर्च इकट्ठा करके जाएगा, गुरु तुझे गले से लगा लेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, मन कर हला गुर मन्या, गुरमुख कार कमाए, गुरु आगे कर जोदड़ी, जन नानक हर मेला है। मन कर हला गुर मन्या, गुरमुख। एक होता है मन, एक होती है मत,
प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, थोड़ी गहराई से समझना। एक होता है मन, एक होती है मत। मन का निरीक्षण मत करती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मन मत गुरु मत, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मन मत क्या है? बेलगाम जानवर, कभी यहां भागेगा कभी वहां भागेगा, लगाम नहीं है उसे। ठोकरे खाएगा, भटकेगा, डंडे खाएगा, परेशान होगा। गुरमत क्या है? लगाम पड़ गई उस जानवर को। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब जैसे गुरु चलाए, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मनमत अपनी मन की कर रहा है, गुरमत गुरु के मत की कर रहा है। पाछा कहते गुरु की मत ले ले, मन करा रहा गुरु मन्या, गुरुमुख कार कमाए, गुरुमुख हो के काम कर, कार कमा। कार कहते हैं उसके बताए हुए रास्ते पर चलना, काम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, जैसे गुरु कह रहा है। मन कर हला गुरु मन्या, गुरुमुख कार कमाए। अगर तो गुरु के बताए हुए रास्ते पे चलेगा, लगाम डाल देगा अपने मन को गुरमत की, तो गुरु आ गया कर जोदड़ी। फिर गुरु के आगे जोदड़ी कर क्या जन नानक हरि मिलाए, कि मुझे प्रभु से मिला दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। क्योंकि चाहे कुछ भी कर लो, कितना भी सिमरन जप तप कर लो, मिलेगा तो तब ही जब गुरु प्रसाद वर्तेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, सारे बोलिए धन गुरु नानक। गुरु की कृपा, गुरु की कृपा कब होती है? जब बच्चा पिता की बात मानता है तो पिता की खुशी मिलती है। गुरु प्रसाद कब वर्तेगा? जब गुरु की बात मानेंगे, उसकी खुशी हो गई, रास्ता बता देगा घर का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। प्रभु कोई घुमा हुआ नहीं है कि कुछ खोजना है, प्रभु भीतर है, बस हमें दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि अंदर अज्ञान का अंधेरा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जैसे ही नाम का दीपक जल गया, गुरु ने तर्स कर दिया, गुरु प्रसाद वर्त गया, भीतर ही मिल जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पर पहले ये सच में एहसास हो जाए, उस एहसास को पाने के लिए अकेले बैठो। इंसान रिश्तेदारों के साथ बैठता है, अपनों के साथ बैठता है, बेगानों के साथ बैठता है, दोस्तों के साथ बैठता है, दुश्मनों के साथ बैठता है, पर अपने साथ नहीं बैठता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बड़े बड़े लोग देखोगे ना, उन्हें डर लगता है अकेले रहने में। अकेले रहना आसान नहीं, अकेले केवल गुरुमुख रह सकता है। अपने अपना परीक्षण कर लिया करो कि अकेले रह सकते हो, नहीं रह सकते। कुछ लोग साथ में हमेशा चाहिए, समझ लेना बहुत दूरी है अभी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अपने आप बैठने, अपने साथ बैठने की ताकत नहीं है, हिम्मत नहीं है। अपने साथ बैठने के लिए बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए, अपने गुनाह दिखाई देते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर भीतर उतरना है, अकेले बैठना सीखो, क्योंकि अकेले बाबा नंद सिंह जी के वचन लिखे हुए हैं। तू अकेला आया है, अकेले जाएगा। अकेले बैठकर अपने मन की पतरी वाच, अपने गुनाहों की तरफ देख, रोकर गुरु से अरदास कर कि पाछा मेरे गुनाह बख्श दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहते थे अगर अकेले बैठकर सिमरन करते हुए अपने गुनाहों को याद करके एक भी आंसू तेरी आंख से गिर गया ना गुरु नानक की याद में, सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, सारे बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अकेले बैठा करो, समय निकालो अपने लिए, तब ये सब सार्थक है। मन से बातें करो, ये समझाओ मन को। कर हले मन परदेसिया, कर हले मन परदेसिया, मन परदेसिया, कर फल मन परदेसिया। क्यों मिली है
मन परदेसिया कर हरे मन परदेसिया बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक। एक आदमी सफर पर निकला है पर वो सोते ही जा रहा है सोते ही जा रहा है, काफिले के साथ है, वो सोया रह जाता है, लोग आगे निकल जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मानो यहां से श्री हरिमंदर साहब की यात्रा पे पैदल संगत जा रही है, समय बंधा है, इतने बजे उठना है, इतने बजे निकलना, सब तैयार हो जाते हैं, वो सोया रह जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कैसे पहुंचेगा? जिसका मन सोया हुआ है, पाछा कहते हैं वो भी नहीं पहुंच सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारी बात यहां पर मन की हो रही है। केवल जागा हुआ मन ही अपने घर वापस आ सकता है, सोया हुआ मन नहीं आ सकता। यहां से बोलिए धन गुरु नानक। जागा हुआ मन किसे कहा है और सोया हुआ मन किसे कहा है? जो मन भविष्य काल में जी रहा कि आगे क्या होगा ये सोच रहा हो, या मन भूतकाल में जी रहा हो पीछे मेरे साथ क्या क्या हो गया, ऐसा क्यों हो गया? यहां से बोलिए धन गुरु नानक। गुरबाणी में इसे सोया हुआ मन कहा है जो भूत और भविष्य में जीते हैं। जागा हुआ मन किसे कहा है? जो प्रेजेंट में जीते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि हमारे पास समय यही है, आगे का हमें पता नहीं, पीछे का हम बदल नहीं सकते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो प्रेजेंट में जीते हैं उसे जागा हुआ मन कहा है। जागा हुआ मन ही घर वापिस आ सकता है, सोया हुआ नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब यह मन जागेगा कैसे? ये मन बाहर क्यों गया है? लालच में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसे बाहर लाभ दिखाई दे रहा है तो बाहर जा रहा है। दुकान में लाभ दिखाई देता है, दुकान में जाके बैठ जाता है। बिजनेस में लाभ दिखाई देता है, वहां जाके, जहां जहां भी इसे लाभ दिखाई देता है वहां जाके बैठ जाता है। जिस दिन इसे यहां पर लाभ दिखाई देना शुरू हो गया तो वापस आ जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये सत्संगत क्यों है? मन को लालच आ जाए कि ये असल में लाभ यहां पर है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। असली लाभ यहां पर है। मन को ये समझ आ जाए, ज्ञान हो जाए। आप अमृत ले उठ के कैसे आए? मन को ज्ञान हो गया है कि लाभ यहां पर है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु की कृपा वर्त चुकी है, बस थोड़ी सी मेहनत और करनी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो जो शिक्षा गुरु दे रहा है उस पर चलने की थोड़ा प्रयत्न करना है, क्योंकि आप 50% पा चुके हो अमृत ले उठ के। नींद का त्याग करके गुरु ने आपको उठा के अपने चरणों में बुलाया है तो वो दांत देना चाहता है, घर वापस बुलाना चाहता है आपको, तभी उठाया है। थोड़ी सी मेहनत कर लो आप। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जो जो रास्ते गुरु बता रहे हैं मोह के बंधनों को तोड़ना, उसके ऊपर चलने का प्रयत्न करना, अकेले बैठकर नाम जपना, जो है वो अपने आप को दिखाना, जो नहीं है वो नहीं दिखाना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हर के पास अपनी अपनी थ्योरी होती है एक्चुअली, पर सच तो यही है। सच कहते हैं दास गुरु साहब जी के हजूरी में, पाखंड की जरूरत ही नहीं है। जो सच होता है ना वो सच होता है। सच से जितने लाभ हैं पखंड से उतने ही नुकसान है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। क्योंकि पखंड कभी ना कभी तो उजागर हो जाता है, सच को आंच नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। दास ऐसे ऐसे गुरु मेहर करे सब पर, जत्थों के साथ रहा है, देखा है मैंने, लोगों के घर में जाए, उन्हें भोजन परोसा तो आधी रोटी खा रहे हैं, एक रोटी खा रहे हैं। मैं साथ नहीं बैठा हूं, मेरा अपना ग्रुप गया साथ।
मैं खा रहा हूं जितना खाता हूं, दो ढाई तीन रोटी और चावल जैसे मुझे चाहिए, वो आधी रोटी एक रोटी खा रहे हैं जहां भी जा रहे हैं। लोग बोलते बहुत कमाई वाले संत हैं, एक ही रोटी खाते हैं, प्यार से बोलिए धन गुरुनाथ। और बाहर जाते ही भागते हैं ढाबे पे, वहां पे एकदम टूट पड़ते हैं खाने पर, और लोगों को क्या दिखा रहे हैं, हम एक ही रोटी खाते हैं, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इससे क्या हो जाएगा, क्या पता नहीं चलेगा, पता ना भी चले गुरु तो देख रहा है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसे पाखंड कहा है। दुनिया को तो बस में कर लिया, महानी बहुत सख्त पंक्तियां विचारें करती हैं इनके लिए, हमारे जैसों के लिए। अंतकाल काती कते हो वाहिगुरु, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पेख दिखावे जगत को लोगन को बस कीन, अंतकाल काती कते हो नरक बास मोलिए। जो लोगों को भेख दिखा के अपने बस में करते हैं, लोगों को बस में करने के लिए भेख डालन करते हैं, अंतकाल काती कते हो, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भयानक सजाएं हैं उनके लिए, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, गुरु मेहर करे। गुरु नानक मेहर करे हम सब। ये छोटी छोटी बातों पे अगर ध्यान दे दिया ना, तो बात बन जाएगी, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्यों? क्योंकि गुरु ये रास्ता बता रहे, तू ऐसे कर ऐसे मत कर, और जो गुरु कह रहे मत कर वो मत करो, बात खत्म। संभालने वाला तो गुरु है ना, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। लोग क्या कर लेंगे, क्या दे देंगे। बाबा नंद सिंह जी के बचन है, दुनिया चाहे कितना भी आपको दे दे उससे पूरी नहीं पड़ सकती। कई लोग है ना बहाने से मांगते हैं किसी ना किसी तरह से, मैं उन्हें समझाता हूँ मत करो ये, चाहे तुम्हें कोई 10 लाख भी दे देगा ना तुम्हारी पूरी नहीं पड़ेगी, पूरी गुरु नानक के घर से पड़ेगी। मांगो तो गुरु से, वो 10 हजार भी दे देगा ना उसमें भी पूरी पड़ जाएगी, उसके देने में बरकत है। घर से बोलिए धन गुरु नानक। जो गुरु कहता है बात बन जाएगी अगर उस पर चल पड़े तो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, सारे बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। एक कीर्तन या कीर्तन कर रहा था, बाबा नंद सिंह जी सुन रहे हैं, और कीर्तन में क्या गा रहे हैं, मिल मेरे प्रीतमा जियो तुद बिन खरी निमानी, मैं नैनी नींद ना आवे जियो भावे अन्न ना पानी। बाबा नंद सिंह जी ने उसे रोक दिया, भाई कितनी रोटी खाता है रोज, कहता 4-5, और कह रहे भावे अन्न ना पानी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, मुझे नींद नहीं आ रही गुरु तेरे दर्शनों के बिना, मुझे भूख नहीं लग रही, मुझे प्यास नहीं लग रही। कहने लगे आज से तेरा भोजन बंद। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, जो तूने पढ़ा है उस पे चल अब। और बाबा नंद सिंह जी ने उस दिन काफी दिनों तक भोजन नहीं बनने दिया, कि न सारे कीर्तनियों को बाणी के ऊपर चलते थे वो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। संत सुजान सिंह जी अपनी सीडीज में सुनाते हैं, रिकॉर्डिंग्स में, कि कई दिनों तक भूखे रहे और आखिर में पेड़ के पत्ते तोड़ के खाते थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि जो पंक्तियां वो सुनते थे बाबा नंद सिंह जी, उस पर अपना जीवन ढाल लेते थे। धन बाबा नंद सिंह जी, धन बाबा नंद सिंह जी। करहले मन परदेसिया, करहले मन परदेसिया, क्यों मिली है
शुकराना शुकराना सतगुर तेरा शुकराना बोलो शुकराना शुकराना सतगुर तेरा शुकराना आज भी तेरा शुकराना कल भी तेरा शुकराना आज भी तेरा शुकराना कल भी तेरा शुकराना रोज रोज तेरा शुकराना सतगुर तेरा शुकराना सतगुर तेरा शुकराना शुकराना तेरा शुकराना शुकराना तेरा शुकराना सुबह तेरा शुकराना हर शाम तेरा शुकराना
शाम तेरा शुक्राना, हर सुबह तेरा शुक्राना, हर शाम तेरा शुक्राना, हर शाम तेरा शुक्राना, हर रात तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, सतगुर तेरा शुक्राना, सतगुर तेरा शुक्राना। घड़िया तेरा शुक्राना, पल पल तेरा शुक्राना, घड़िया घड़िया तेरा शुक्राना, पल पल तेरा शुक्राना, घड़िया घड़िया तेरा शुक्राना, पल पल तेरा शुक्राना, घड़िया घड़िया तेरा शुक्राना, पल पल तेरा शुक्राना, श्वास श्वास तेरा शुक्राना, सतगुर तेरा शुक्राना, तेरा शुक्राना, सतगुर तेरा शुक्राना, सतगुर तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना मेरा शुक्राना, धन गुरु नानक, 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 तू ही निरंकार, धन गुरु नानक, तू ही निरंकार, धन बाबा नानक, तू ही निरंकार, धन गुरु नानक, सारा जग तारिया, धन गुरु नानक, सारा जग तारिया, धन बाबा नानक, सारा जग तारिया, शुक्राना तेरा शुक्राना, हो शुक्राना, आज भी तेरा शुक्राना, आज भी तेरा शुक्राना, कल भी तेरा शुक्राना, कल भी तेरा शुक्राना, रोज रोज तेरा शुक्राना, शुक्राना शुक्राना, सतगुर तेरा शुक्राना, सतगुर तेरा शुक्राना, शुक्राना। जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे।
Oh.
जय गुरु जी की।